हेलो एंड वेलकम क्लास 12 विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा है सॉलिनॉइड। ठीक है, यहाँ पे सॉलिनॉइड, हाँ, बार मैग्नेट एज अ सॉलिनॉइड, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, तो अभी तक मैं जितना भी चीज़ें बताई ना, ये सारा कुछ आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चल रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। जो टॉपिक कटा काट दिया गया आपके सिलेबस से इस साल के लिए, सिर्फ उसको मैंने नहीं बताया। सो एनसीईआरटी को अपनी कंसिडर करती रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है और क्योंकि इस साल बोर्ड है तो एनसीईआरटी को प्रेफर करना ज़रूरी है। तो आप लोग एनसीईआरटी को भी गो थ्रू होते रहिएगा। जो टॉपिक हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं उसको एनसीईआरटी से भी आप रीड आउट करिएगा, ठीक है, और जो टॉपिक उसमें है उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक एक वर्ड्स एनसीईआरटी की बुक का आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखिएगा, उसको पढ़िएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके सी बी एस ई क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, सो आई होप मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को पता ही है, तो हर क्लास में वो बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आई होप। सो चलो करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सामने है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ मैग्नेटाइज नीडल, यानी कि एक नीडल जिसको कि मैग्नेटाइज किया गया है, जो जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 4.8 × 10⁻²⁰ जूल्स पर टेस्ला। यूनिट का ध्यान रखना है हमें, जूल्स पर टेस्ला दिया हुआ है। इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री, इट प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से इंक्लिनेशन कितना है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटाइज नीडल का, 30 डिग्री का। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसी के लिए पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें मैग्नेटिक फील्ड का, 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला। ओके, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द टॉर्क। अब आप खुद सोचो, क्या मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है? टॉर्क हम यहाँ पे टी से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैं टाउ नहीं लिख सकता, आप लोग अपने कॉपी में टाउ लिखना। ठीक, सो टाउ का जो हमारा फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, याद करो एन आई ए भी साइन थीटा हमने पढ़ा था, तो एन आई ए क्या बन जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एम है। एम के बाद क्या बनेगा आपका, बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी और साइन, उन दोनों के बीच का एंगल। मैं यहाँ पे एंगल लिख रहा हूँ, अब थीटा या जो भी हो सकता है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग हम बाद में लगा लेंगे। एंगल तो मतलब सिंबल तो कुछ भी डाल सकते हैं, थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, जो भी ग्रीक लेटर्स डालते हैं बेसिकली। तो यहाँ से हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमें क्या पूछा, टॉर्क पूछा है ना, हमें एंगल पता ही है, इंक्लिनेशन का एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना 4.8, यानी कि हमें दिया हुआ है, सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, जो जो हमारा टॉर्क आएगा वो किस यूनिट में आएगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, वो बात की बात है, चलो और देख लेते हैं। अब तो हमारा टॉर्क क्या आ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जूल्स पर टेस्ला में दिया हुआ है, और ये टेस्ला में, तो जो हमारा जो टॉर्क आएगा वो जूल्स में आएगा। ठीक, तो आओ देखते हैं आखिर कैसे। तो 4.8 वैल्यू रख दें क्या, 4.8 पहले क्या मैग्नेटिक मोमेंट का रखते हैं, 4.8 × 10⁻²⁰ माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय आपका है 3 अगेन इंटू 10⁻²। सारी वैल्यूज हमने रख दी, ठीक है, उसके बाद क्या बचा है हमारे पास रखने को, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री रखेंगे, और साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, सोचो सोचो, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। इज इट क्लियर, इन सबको सॉल्व करेंगे, चलो और सॉल्व करते हैं। तो हमारा 10 की पावर में क्या आ गया, 10⁻², 10⁻¹⁴ आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ओके, यहाँ पे 10⁻½ नहीं है, इसको ठीक कर लेना था, 10⁻²। ओके, तो यहाँ पे भी हम करेक्ट कर लेते हैं इसको, तभी मैं सोच रहा था कुछ वैल्यूज मिसप्रिंट होगी, इस वजह से ऐसा हो गया। ओके, तो आपका 10⁻², ठीक है, 10⁻², 10⁻², आपके पास
आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट एंटीग्रामस टू के ऑर्डर में और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अब दोनों को कैलकुलेट करने से हमारा क्या आ जाएगा, 10^-4 और 4.8 × अगर हम 2 करेंगे, 4.8 × 3 ये कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, लगभग लगभग हमारा ये आएगा आई थिंक 14.4 के करीब है ना, 14.4। और मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी है तो डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये होल मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना, ये होल मल्टीप्लाई बाय 10 × 10^2 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -4। इज इट क्लियर, वो वैल्यूज टेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का 10^-12 नहीं, 10^-2 के ऑर्डर में था, यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से 12 आ गया था। खैर इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा, 7.2 × 10^-4 कितना, 4 जूल्स। ये कितना है, ये इतना टॉर्क है, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये टॉर्क है, टॉर्क तो आपका मतलब ऐसे यूनिट नहीं आनी चाहिए, नहीं, टॉर्क की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन हो लगभग लगभग सेम होती है। क्यों, क्योंकि आपका टॉर्क क्या होता है, फोर्स क्रॉस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आप रोटेशनल मोशन अगर पढ़े होते हैं लास्ट टाइम, तो इस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है। अल्टीमेटली जो डायमेंशन होता है वो वर्क की या फिर एनर्जी की डायमेंशन आ जाती है। तो यहाँ उसके हिसाब से यहाँ पे जो जूल आया है ना, यूनिट हमारी सही है, यानी कि जो आंसर आ रहा है हमारा ये करेक्ट है, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया, सिंपल क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था। अब दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा टिपिकल वाला करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला करेंगे, जो हम लूप वाला पढ़े हैं हम उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं वाला क्वेश्चन भी, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अब प्लेनर लूप, प्लेनर यानी कि समझिए एक प्लेन में प्लेनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप, कोई भी शेप का है, एनक्लोजेस एंड एरिया, आपको एरिया बता दिया कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है वो, 7.5 × 10^-4 m², ठीक है। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू बी, द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू बी क्लॉक वाइज, यानी कि करंट की डायरेक्शन की बात कर रही है ये, ठीक। क्लॉक वाइज करंट क्लॉक वाइज चल रहा है टू एन ऑब्जर्वर, मतलब एक ऑब्जर्वर के लिए, वो ऑब्जर्वर आप अपने आप को मान लो, ठीक है, खुद को मान लो उस ऑब्जर्वर को, और आपके अकॉर्डिंग कैसा चल रहा है, क्लॉक वाइज चल रही है करंट उस लूप में, ठीक, जिसमें कि जिसका एरिया कितना है ये लूप, कैसे भी आड़ी तिरछी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एरिया अल्टीमेटली पता है, तो हमको उसका एरिया फाइंड आउट करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, वो तो हमें दिया ही हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताना है आपको। मैग्नीट्यूड पहले निकाले ना, डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से बता ही लेंगे, ठीक है। एसोसिएटेड विद द करेंट लूप, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया हमारा, सिर्फ उसे फॉर्मूला भेज देना, क्या होता है बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक मोमेंट का आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो, एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट लूप की बात कर रहा है जिसमें से करंट जा रही है, आई इंटू ए, वेयर आई इज करंट एंड ए इज एरिया, राइट। करंट हमारा एम्पियर में होना चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, एसआई यूनिट में, इज क्लियर। तो ये सारी बातें तो हैं, तो 12 × हम क्या कहते हैं, 12 एम्पियर × एरिया कितना है, 7.5 × 10^-4 m², तो कितना हो गया, यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर यूनिट होगी ना, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया हमारा, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 10^-4 है ना, तो उसको 10^-3 में कन्वर्ट कर देना, ताकि हमारा जो जो स्टार्टिंग वाला जो नहीं होता कोफिशियंट वो थोड़ा छोटा है, तो 12 × 7, 12 × 7 से कितना होता है आपका, 12 × 7 से आई थिंक 84 होता है, 7.5 कर देंगे तो 6 और जोड़ दो तो ये करीब 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 90 × 10^4, इसको आप लिख सकते हो ना 90 × 10^-4, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने से कैलकुलेशन तेज होती है आपकी, कैलकुलेशन जब तक लिख लिख के करोगे नहीं, मेहनत करोगे, हमने बहुत मेहनत किया था तब जाके कैलकुलेशन मेरी कुछ ठीक हुई कि हाँ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन को क्या पता है क्या किससे कैंसिल होगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट वो चीज़ करने से आती है, ठीक है, याद रटने से या पढ़ोगे या वीडियो देख के सो जाओगे उससे काम नहीं चलेगा। तो जब तक वीडियो चल रही है कॉपी में नोट करते, खुद से मेहनत करो, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल आता है उसका सोल्यूशन तो हम दिखा देते ही हैं, ठीक है। सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी सोल्यूशन मिला कॉपी कर ले, खुद से सोचा ही नहीं, जब तक खुद से तुमने कुछ कुछ सीखा नहीं ना उस क्वेश्चन से, अगर तुमने खुद का दिमाग नहीं लगाया उस क्वेश्चन को, दिमाग खर्च नहीं किया सॉल्व करने में, तो तुमने तो कुछ नहीं सीखा, हमने तो सीधे आपको बना बनाया सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, नेट पे तो बहुत जगह मिलेगा सोल्यूशन,
ठीक है? तो खैर आप लोग खुद से करा करो, खुद का दिमाग खर्च करो, तब दिमाग बढ़ेगा। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, जितना दिमाग रखे रहोगे कोई मतलब नहीं, दिमाग बढ़ता बढ़ता नहीं है। ठीक, तो आपको इसको कन्वर्ट कर लो छोटे में, तो 9 या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा ये आपका, इसमें चेंज हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट तो आप देख ही रहे हो आपके सामने है। ठीक, ओके। सो अगर हम अब इसका डायरेक्शन की बात कर लें, तो राइट हैंड रूल को अगर अप्लाई करें, कैसा दिखा रहा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन था ना, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन थी। अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज रखेंगे, राइट हैंड के क्लॉकवाइज रखेंगे, थंब कौन सा डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड पॉइंट कर रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या इस लिखेंगे, क्या कैसे आंसर कैसे लिखोगे इसका? तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, अलोंग टू द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। डायरेक्शन क्या लिखोगे आप डायरेक्शन में? कि ये है अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल टू द, किसका नॉर्मल? टू द प्लेन का नॉर्मल ना, प्लेन के नॉर्मल है, प्लेन ऑफ लूप। इतना छोड़ दोगे आप, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ आ गया? तो फिजिक्स कैसे पढ़नी है मैंने बता दिया, पढ़ना ना पढ़ना आप लोग के ऊपर है। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ो, वरना तो अच्छी ही बात है कि नहीं पढ़ो। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अ करेंट ऑफ 5 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ 10 टर्न सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। द कॉइल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। वट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट? ठीक है, ये तो हम निकालेंगे, अभी तक यही तो करते आ रहे हैं। इफ द कॉइल वर टू प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब कॉइल को हम इस तरीके से रखते हैं कि उसका जो जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, उस अगर हम उसको रखते हैं वहाँ पे, इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई व्हेन इन इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम में वो किस प्लेन पे हम उसको रखते, ताकि वो मतलब किस प्लेन में हम उसको रखते ताकि वो इक्विलिब्रियम में होता, कुल मिला के हमको ये बताना है। खैर तो करते हैं सॉल्यूशन को। उसके पहले मैं एक ये बात बता दूँ, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, आई नो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है लंबी वीडियो, बट हम और लोगों की तरह 10 मिनट, 8 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट की वीडियो बनाकर तुम लोग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इतना कंटेंट एक वीडियो में मेरे हो जाए कि तुम लोग को और कहीं जाना ना पड़े। फिर भी अच्छी बात है कि तुम लोग कई तरीके के वीडियोस को देख के तब एक कंक्लूजन पे आना, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, क्योंकि सारे टीचर्स का अपने कॉन्सेप्ट बताने का तरीका अलग अलग होता है। सो बेसिकली आपको जिसका भी फॉलो करना है करो, ठीक, बट मेरी वीडियो लंबी इसलिए वजह से होती है, मुझे ये बताना था कि थोड़ा सा उसमें कंटेंट जो है ना इतना भरपूर हो जाए कि आप लोग को ज़रूरत ना पड़े बुक देखने की या फिर कुछ देखने की। बट फिर भी जब तक बुक नहीं देखोगे तब तक काम तो चलेगा नहीं। जो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग NCERT रीड जरूर करिए, ठीक है? हम मैं कहता हूँ रेफरेंस बुक मत रीड करिए, तो NCERT जरूर रीड करिए। कुछ सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक कब प्रेफर करिए? जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे होंगे रेफरेंस बुक में, तो आप उसको प्रेफर करिए तब के लिए, ठीक? अदरवाइज हम 10 मिनट, 12 मिनट या कहते हैं ना इस तरीके के करके वीडियो बना करके मजाक नहीं बना सकते यार पढ़ाई का, तो इसीलिए मैं टाइम ले करके धीरे धीरे बताता हूँ, ताकि जो भी डाउट आप लोग के दिमाग में आ रहा होता है, क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा था तो मेरे भी दिमाग में पढ़ते टाइम की कुछ कुछ डाउट आते थे, तो वो डाउट भी मैं क्लियर करता चलता हूँ ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। और अगर हुई भी तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, ऐसा है नहीं कि एक बार वीडियो देख के दोबारा नहीं देख पाओगे। ठीक, तो आओ इसके सोल्यूशन पे आते हैं, क्या कह रहा है हमारा। देखो पहली बात तो हम क्या डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे सिंपल मैग्नीट्यूड, जो फॉर्मूला बेस्ड, पहले हम फॉर्मूला बेस्ड वाला काम कर लेते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड जो है, क्या है एम इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट NIA। यहाँ पे हमको सब कुछ दिया हुआ है क्या? बिल्कुल, 10 टर्न्स दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो एरिया निकाल ही लेंगे क्योंकि सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है हमको, ध्यान देना। और करंट तो हमें पता ही है 5 एम्पियर का, साफ साफ बता दो, सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, वैल्यूज को रखना है। तो हम रखते हैं 10 टर्न्स मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या है एरिया। तो एरिया ये 7 सेंटीमीटर का है, तो हम अगर थोड़ा सा पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, क्यों? ताकि 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है? 22/7 और ये होल मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं कि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा 22/7 मल्टीप्लाई है। इसी को ध्यान रखना, हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते ताकि तुम लोग लिखने टाइम कंफ्यूज ना हो, लिखते टाइम कंफ्यूज मत ही होना। इनटू
सेवन का स्क्वायर, 7 × 7 लिख देते, 7 का स्क्वायर लिखना है तो क्या ही दिक्कत है अपने को। अच्छा एक चीज़ और, 7 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 10⁴ आ जाएगा। क्यों आया ये यूनिट वाले जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल वो बता लेंगे भाई। हमने कन्वर्ट किया ना, 1 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 7 मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 7 है तो 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁴ हो गया। समझ आ गया? तो चलो इन सबको सॉल्व करते हैं। तो 1 10 से 1 10 गया तो नीचे 10^2 बचा, 1 7 से 7 गया हमारे पास बच्चा 5 × 22 इंटू, ये सबको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 77/100, 77/100 सॉल्व करने के बाद सारा कुछ, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 77/100 को हम लिख सकते हैं 0.77 आई थिंक, है ना, सही है। यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, बहुत ही अच्छे से हमको पता है यूनिट वूनिट, तो अब तो हमें भूलना ही नहीं है। अब क्या पूछ रहा है हमको, डायरेक्शन भी बताना है ना, डायरेक्शन कैसे बताओगे, किस तरीके से डायरेक्शन बताएंगे। अब यहाँ पे तो हमको डायरेक्शन बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, सोचो सोचो सोचो, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका मदद से बना सकते हो। देखो जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना, ये जो एम है, एम वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा पहली बात तो, प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा तो आप जानते ही हो, या तो भाई कॉइल अगर रखी हुई है तो उसके तो परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या तो नीचे, वो डिपेंड करता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़े, इफ दिस कॉइल वर टू प्लेस इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस इन विच प्लेन कुड द कॉइल लाई व्हेन इन इक्विलिब्रियम, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, वहाँ पर सीधा दिमाग में निकल के आएगा कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा, ठीक, क्योंकि आपका दिख रहा है ना एक्स वाई प्लेन में है आपकी कॉइल, किसको, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन कौन सी होती है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो एक्स वाई प्लेन कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पेपर में बनाते हो एक्स और वाई एक्सिस, वो आपकी एक्स वाई प्लेन होती है, आपका पूरा पेपर वो एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है, ठीक, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप एक्स और वाई एक्सिस आपने बनाया है, ठीक, सो वहाँ पे जो आपका पेपर होता है ना वो एक्स वाई प्लेन में ही लाया करता है। मतलब इस चीज़ का तो थोड़ा सा ब्रीफ मैथमेटिक्स का थोड़ा सा तो आइडिया अगर होगा ना समझ जाओगे, ठीक, तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर ही होगा ये। और यहाँ पे हमारे जो नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ के सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि हमारा किधर को है, ये हमारा जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है, इट इज़ अलोंग जेड एक्सिस। इतना करके आप छोड़ दोगे तो आपका, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इतनी बात सुनने के बाद आप डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, जेड एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग लिखते हैं डायरेक्शन वर्ड के साथ, हम अलोंग वर्ड यूज करते हैं, जेड एक्सिस, इज इट क्लियर, ठीक है। और किसी किसी को अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कि होता है न्यूमेरिकल समझ नहीं पाते कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स नहीं समझ पाते, तो बेटा उसके लिए आपको इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे सीख जाओगे बट इंग्लिश ही नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को डिकोड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा खेल हमको क्वेश्चन को डिकोड करने में करना होता है। क्वेश्चन को डिकोड करना आ गया तो यानी कि सब कुछ आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया ना, और हमें क्या पूछा हुआ है, और हमसे क्या पूछा, कुछ क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट पूछ दिया, ओके ओके, ठीक। सो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में क्या आप, अगर हम बोले आपसे टॉर्क निकालने को, टॉर्क निकाल सकते हो क्या, सोचो सोचो, निकाल सकते हो, अगर निकाल सकते हो तो निकाल दो, अगर आप निकाल सकते हो टॉर्क तो आप निकाल दो, मैग्नेटिक फील्ड, अब आप सोचोगे कि टॉर्क निकालने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड वो चाहिए, मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, नहीं भी अगर पता है तो आप इन टर्म्स ऑफ बी निकाल के देखना। तो कोई भी क्वेश्चन हुआ करता है ना, जैसे उसमें जो चीज़ नहीं पूछी है ना उसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो, भले ना वैल्यू दी हो तो उसको वर्ड्स में लिख देना उसका, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम बी लिख देंगे सिंपल, क्योंकि कैपिटल बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ बी आंसर आ जाएगा। खैर ये हम तुम लोग को इसलिए बता रहे कि इस ऐसा करने से ना न्यूमेरिकल को टैकल करने की ताकत आती है, न्यूमेरिकल को टैकल करना अगर सीख गए हम तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे ही सब्जेक्ट में है बट हम ज़्यादातर अप्लाई कॉन्सेप्ट को करते हैं फिजिक्स में,
जब हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, क्योंकि बिल्कुल से एकदम हम जो पढ़े होते हैं, हम जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हमको लगता है एकदम उल्टा ही कुछ पूछ दिया, बट क्योंकि जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन को डिकोड करते हैं वैसे वैसे हमें लगता है अरे ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, ये एक्सप्रेशन तो हमें पता है। तो बस दैट्स हाउ वी प्ले दिस फिजिक्स, है ना। ओके सो अगर टॉर्क हम पूछें इस करंट लूप पे कितना लग रहा है, तो कितना होगा भाई, एम इंटू बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन एंगल, एंगल जो भी हो। सिंस अब ये बताओ, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि जो कॉइल है वो आपका क्या हो रहा है, कॉइल घूम नहीं रही है एक जगह स्टेबल फॉर्म में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब वहाँ पे टॉर्क जो है जीरो है, ऐसा समझो। तो टॉर्क अगर जीरो होगा इसका मतलब क्या, टॉर्क अगर जीरो है इसका मतलब हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो इसके जो नीचे वाले स्टेटमेंट लिखा है, इफ द कॉइल वर टू प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई व्हेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होगी तो किस प्लेन में लाया करेगी। देखो तो यहाँ से हम टॉर्क पहली बात तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, जब भी इक्विलिब्रियम कहीं लिखा होता है ना तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही बात करते हैं, तो फिर लिख देगा अनस्टेबल, ठीक है। जैसे स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता है ना, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब टॉर्क हमारा जीरो होगा। टॉर्क हमारा जीरो हो रहा है उससे हम क्या कह सकते हैं, हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। टॉर्क का हमारा फॉर्मूला होता है एम इंटू कैपिटल बी और साइन एंगल, ठीक। साइन एंगल हम कोई नाम नहीं दे रहे, थीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है, साइन एंगल जो भी उन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो अगर टॉर्क जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल भी जीरो है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो दिस एंगल इज इक्वल टू जीरो हम कह सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इक्विलिब्रियम से हम टॉर्क जीरो पे गए, टॉर्क जीरो से हम एंगल जीरो पे आए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर होना होगा। अगर एक्स एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा जो कॉइल होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आएगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, एक ही प्लेन है, ध्यान करोगे तो याद आ जाएगा कौन सा प्लेन है एक्स एक्सिस के, वाई जेड प्लेन है ना, है ना। वाई जेड प्लेन जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। सो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, जो कॉइल है हमारी कहाँ पे लाया करेगी, वाई जेड प्लेन में, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लूप वाले क्वेश्चन बहुत हो गया, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि हमने उसका भी डेरिवेशन बहुत अच्छे से किया था लास्ट क्लास में। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। अल्टीमेटली हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट करके चलते हैं। विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। हाँ वेलोसिटी की यूनिट सही दी हुई है, मीटर पर सेकंड में ही हमें चाहिए थी। कैलकुलेट क्या क्या करना है ये देखेंगे। इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा हमें इक्विवेलेंट करंट निकालना है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे प्रोड्यूस हो रही है वो निकालना है, ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन से, हमें वो भी निकालना है। तो तीन चीज हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को ब्रशअप करना पड़ेगा और वापस से जाना पड़ेगा पुराने वाले डेरिवेशन में जो कि हमने किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने निकाली थी। सिंस आप जानते हो ना कि करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम और टाइम यहाँ पे किस टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो हम करंट निकाल देते हैं पहले। करंट बहुत ही सिंपल है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज पर टाइम होता है, तो यहाँ से चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है अपॉन में टाइम का क्या हमारा फॉर्मूला होता था, याद करो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता था, क्या होता था, बताओ बताओ बताओ, सोचो 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 और बताओ। 2πr अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता था टाइम का फॉर्मूला भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को उधर ले जाओ डिस्टेंस को उधर ले आओ, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओके
यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम है दैट विल बिकम 2 पाई और आर आर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेडियस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, अपॉन दी वेलोसिटी यानी कि स्पीड। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम थोड़ा सा कहते हैं ना, जब रीअरेंज करेंगे तो वी चला जाएगा ई के पास, तो ई इंटू वी अपॉन 2 पाई पाई आर। यहाँ पे सारे सिंबल्स की यूजुअल मीनिंग्स हैं, यानी कि वी मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड, और पाई तो आप जानते हैं 3.14 या फिर 22/7, वो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन हमारी जिससे इजी हो जाए हम वो ले लेते हैं। और रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, 0.51 एंगस्ट्रॉम, जो कि हम मीटर में रखने वाले हैं, तो 10^9 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। ओके, सो इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या रखते हैं वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेट चार्ज का मैग्नेट होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, अगेन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वी, कितनी दी हुई है 2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड अपॉन, ये चीज़ हमारा हो गया। उसके बाद नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा आएगा 2 × 3.14 कर दें क्या, 2 × 3.14 कर देते हैं, वही कर देते हैं भाई तो सही रहेगा। 3.14 × हमारा जो रेडियस है, यानी कि 0.51 × 10^-10। तो पहले हम क्या करते हैं ना, 10^ वाले को हम हटाते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात समझो कि क्या दिया हुआ, ऊपर 10^-6 − 19 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 10^+6 से, यानी कि 6 कम हो जाएगा उसमें −19 से, कितना हो जाएगा ये 10^-19 से 10^-13 हो जाएगा वो, तो 10^-13 ऊपर है, 10^-10 नीचे है, तो −10 ऊपर माइनस मतलब 10 कम हो जाएगा वो भी, तो बचेगा 10^-3, तो ऊपर में बचेगा 10^-3। और हमारा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद अब ये सारी चीज़ें जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1.6 और हमारे पास है 2 × 14, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब कुछ ऐसा आएगा। 1 क्या हमारे मतलब 0.1 के करीब आएगा, 0.1 0.1, हाँ ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल ये कुल मिला के हमारा जो कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10^-4। और ये क्या निकाला हमने, करंट निकाला तो एम्पियर आएगा ऑब्वियसली यूनिट। इज इट क्लियर बेटो, ठीक है बच्चों ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया अभी, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा जो है वो उसमें हम क्या निकालने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन के टाइम पे हमको एक्सप्रेशन याद था, क्या था वो एक्सप्रेशन, μ0 × I/2 × R, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो एक बार फिर से चैप्टर 4 पे जाके बायो सेवर्ट और हमने क्या एम्पियर सर्किट सारा कुछ एक बार रिवाइज भी हो जाएगा दोनों का इसी बहाने, और ये एक्सप्रेशन भी याद आ जाएगा। और इसी मेरे चैनल पे वाली वीडियो मिल जाएगी क्लास ट्वेल्थ वाली प्लेलिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेशन आएगा, μ0 × करेंट / 2 × हमारा रेडियस, ठीक है। रेडियस किसका, ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन के जिसे ऑर्बिट में वो घूम रहा है। इन सारी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 π × 10^-7 − 7 भाई, है ना, ये रख दिया। इंटू करंट कितना है हमारा, 5 एम्पियर का है करंट, रख दिया 5 एम्पियर। सॉरी अभी हमने 5 एम्पियर कहाँ निकाला, 5 एम्पियर तो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था हमने, मुझे वो वैल्यू याद आ रही है। क्या आया हमारे करंट की वैल्यू, 10^-4 एम्पियर। यूनिट नहीं रखते हैं, छोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि सारी ऐसा यूनिट में रखा है ना हमने, सारी वैल्यू मीटर में, जो भी हमारा आंसर आएगा वो टेस्ला में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना तो टेस्ला में ही आएगा। तो अपॉन 2 × R, तो अपॉन 2 × ये हम करेंगे, रेडियस तो हम जानते हैं कितना है, 0.51 × 10^10 कुछ अगर मिसटाइप हो गए तो उसके लिए मतलब ऐसा ग्रज मत रखना, हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो −10 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं सॉल्व। ओके, तो हमारा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पहले
10^7 और 10^-10 को हम कर, ओके 10^-7 और 10^-4 ये मिलके हो जाएगा 10^-11। ऊपर हो गया 10^-11 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10^-10, तो ऊपर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 10^-1। ओके हमारे पास क्या बचा, 4π, 4 × 3.14 इंटू, नहीं 4 × 3.14 अपॉन में 2 × 0.51। अच्छा 2 × 0.51 क्या हो जाएगा हमारा, तो ये तो सिंपल सिंपल, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान ले, क्या 0.51 ही तो है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 × बचेगा हमारा 4 × 3.14, 3.14 × 4 ये आएगा करीब तुम्हारा 12 पॉइंट समथिंग, आई थिंक, आई गेस। तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग ये, और मल्टीप्लाई बाय 10^-1, 12 पॉइंट हम इसको 3 मान लेते हैं, इनटू आएगा आपका 10^-1, यानी अपॉन 10 हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेटली आंसर 1.23 टेस्ला। इज इट क्लियर? ये हम आगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम निकालते हैं तीसरा चीज जो हमसे बोला गया है, क्या है तीसरा चीज, ये कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, सबसे इजी चीज है भाई, ये तो अभी हमने पढ़ा। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इस केस में, इलेक्ट्रॉन वाले केस में याद करो क्या होता था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, I × A, यही होता था। I × A को हम थोड़ा सा कन्वर्ट हमने वहाँ पे किया था, बट यहाँ पे हम दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। I × A, I करेंट हमारा क्या है, EV/2πr, अभी हमने ऊपर निकाला, EV लिखा भी है हमारा, EV/2πr ये I है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे तो हमारा, और मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से पाई आर स्क्वायर से, तो कैंसिल आउट होकर सारी वैल्यू जो डेरिवेशन में हमने ऑलरेडी कर दी थी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा EV/r/2, प्यारा सा, ठीक। उसके बाद EV/r की वैल्यू रखते हैं, E की वैल्यू 0.6 × 10^-19 कूलम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उसके बाद वेलोसिटी क्या है हमारी, 2 पॉइंट समथिंग थी ना, कहाँ गई, 2 × 10^2 × 10^6 कितना, 6 m/s, मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस 0.51 × 10^-10। हाँ इतना, ओके अपॉन में 2, अपॉन में तो 2 ही है, तो ऊपर हम जो भी निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो 10 के पावर को पहले हम सॉल्व करते हैं। अच्छा हमने भी रख दिया, एंड अगेन दिस 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 दिस, ओके। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद 10^ में क्या, 10^-19 ऊपर है, और ऊपर में ही 10^-10 भी है, तो 10^-10 10^-19, तो 10^-29 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10^6, तो 29 में 6 कटेंगे, 10^ हो जाएगा -23, हाँ 20 -23, और न्यूमेरिक वाले को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा करीब ये आ जाएगा हमारा जो है 800 समथिंग आएगा, 1.6 × 2 ये हो गया 3.2, ठीक। तो ये हमारा गया, ये गया और ये 2 से गया, अच्छा क्या 3.2 मल्टीप्लाई बाय 0.51, ओके तो ये 1.2 हो गया, 3.2 × 0.51 से करेंगे तो अगेन ही हमारा मतलब आधा हो जाएगा, 0.50 ही मानते हैं उसको अप्रॉक्सीमेट के लिए, ये हमारा अगेन आधा हो गया, ठीक है। तो पहले तो 2/2 मतलब 2 से 2 ये कैंसिल ही कर देते ना, 2 से 2 ये कैंसिल कर देते, 1.6 × आपका 0.51, तो 1.6 का आधा हो जाएगा, 1.6 का आधा होगा आपका 0.8, कितना 0.8 हम मान लें, मतलब ऐसा चलो 0.8 ही मान लेते हैं, 8 1 ऐसा कुछ मान लेते हैं, 0.81 हमने मान लिया अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 10^ में हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद 10^ में हमारे पास जो बचा हुआ है वो है ये, यहाँ से ये गया, ये गया कुछ ऐसा, मतलब 10^ ये जो आएगा मेरे ख्याल से जो आना चाहिए वो 10^ आना चाहिए 24 आई गेस, हाँ 10^-24, 10^-24 ऐसा कुछ आना चाहिए। चलो खैर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.8
8 पॉइंट, कैलकुलेशन देख लेना भाई, 8.16 इंटू 10^-25 एम्पियर एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, यही आ रहा हो। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना होगा, तभी होगा। खैर, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एक आध क्वेश्चन कुछ हम सोच रहे थे करने को, बट सारे ही क्वेश्चन हमारे पास बार मैग्नेट वाले, बार मैग्नेट से रिलेटेड वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी होंगे। ओके, इतने क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी होंगे। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। चलो वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। बार मैग्नेट सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड और अब एक बार मैग्नेट में। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या क्या है कि जब करंट पास होता है थ्रू अ सॉलिनॉइड, जब हम सॉलिनॉइड से करंट पास कराते हैं, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऑब्जर्वेशन दो तीन चार में, अब चार ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं बोलूँगा, वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही, मतलब बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड की अगर हम बात करें तो, जैसे कि अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, अगर उसको हम लटका दें कहीं एक जगह, तो एक सॉलिनॉइड जिसमें से कि करंट जा रहा है, उसको हम ऐसे लटका दें एक जगह पे, वो हमेशा रेस्ट पे आ जाएगा। कब? जब वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। ठीक, वो रेस्ट पे आ जाता है, घूमना बंद कर देता है। अगर हम उसको ऐसे सस्पेंड कर दें, जैसे कि आपका पेंडुलम से आप बॉब सस्पेंड करते थे, उस टाइप से हम लटका दें उसको, आपने किया हुआ है 11th में एक्सपेरिमेंट। सो दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर हम बात करें, जो सिमिलर ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, कि कहते हैं ना दो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन भी शो करते हैं और रिपल्शन भी शो करते हैं। दो अगर हम सॉलिनॉइड लें और उनको आपस में पास में ले जाएं, तो कोई कोई क्या करेंगे, अट्रैक्शन भी शो करेंगे और कोई कोई रिपल्शन शो करेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या शो करता है कि मतलब उनका जो एंड है, सॉलिनॉइड के जो एंड्स होते हैं, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमारा बार मैग्नेट में भी होता है, तो एक ये सिमिलैरिटी भी देखने को मिली। ठीक, उसके बाद अगर हम लाइन ऑफ फोर्स की बात करें, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स में बना देता हूँ तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। लाइन ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करें, जैसे कि मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो, तुम लोग को बार मैग्नेट दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो बार मैग्नेट में से कैसे मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, वैसे मैग्नेटिक लाइंस भी होती हैं। और वो किस तरीके से, जैसे पोल से, एक पोल से निकलती थी दूसरे पोल में घुसती थी, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही, कहाँ से इमर्ज हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है। देखो यही हो रहा है ना, नॉर्थ से निकल के कहाँ पे जा रही है, साउथ में जा रही है ना, है ना। ओके, अब पोल की डायरेक्शन कौन सी होती थी याद करो, मैग्नेटिक मोमेंट जो हम अंदर बता रहे थे, डायपोल की डायरेक्शन याद करो कहाँ होती थी, वैसे ही उसको याद करना। और देखो ये तो बार मैग्नेट हो गया, ये एक सॉलिनॉइड मैंने अलग से बनाया हुआ है। देखो अभी मैं करूँगा क्या, कि जैसे आपका ये हम टॉपिक क्या पढ़ें, बार मैग्नेट इज बिहेविंग एज अ सॉलिनॉइड। ठीक है, तो सॉलिनॉइड के केस में इक्विवेलेंट एज अ सॉलिनॉइड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा होता था। अब आप जानते हो किसी भी कॉइल में अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो मैग्नेट, तो यानी कि ये पूरा एक मैग्नेट बन चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसमें। अब देखो हम इस बार मैग्नेट को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, ठीक है, इस बार मैग्नेट को थोड़ी देर के लिए यहाँ हटाते हैं, और इस पूरे के पूरे कहते हैं ना, इस पूरे के पूरे सॉलिनॉइड को यहाँ पे ले जाते हैं। और जब हम यहाँ पे इसको ले गए ना, अब जो उसका जैसा सीन दिख रहा है ना, वही चीज़ हमारे सॉलिनॉइड के साथ होती है। जब सॉलिनॉइड होता है तो सॉलिनॉइड का कौन सा साउथ पोल हो जाता है, कौन सा नॉर्थ पोल हो जाता है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मतलब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और कोई हो ही नहीं सकता था। बार मैग्नेट को हटा के मैंने इसको लगा दिया, सेम बिल्कुल आप जैसे देख पा रहे हो। ठीक, तो कुछ यही है, एक ये सिमिलैरिटी थी ऑब्जर्वेशन जब किया गया, तो एक ये सिमिलैरिटी थी किसके किसके बीच, आपके बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड के बीच में। ठीक, सो कुल मिला के देखो, एक मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनना। ठीक,
इफ यू मूव अ स्मॉल पीस ऑफ, कहते हैं स्मॉल कंपस नीडल इन द नेबरहुड ऑफ बार मैग्नेट एंड द करेंट कैरिंग सोलिनॉइड, और ये सोलिनॉइड का जो मतलब टर्न्स है वो इनफाइनाइट मान के चल रहा है, इनफाइनाइट सोलिनॉइड बोल, फाइनाइट सोलिनॉइड बोल रहा है, मतलब इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। और डिफ्लेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, यानी कि बार मैग्नेट के साथ जब हम नीडल मैग्नेटिक नीडल को रख रहे थे, यानी कि जब बार मैग्नेट था यहाँ पे, जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख रहे थे, तब भी वैसा ही डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। जब हमने जब ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, अब हम जब मैग्नेटिक नीडल ला रहे तो भी डिफ्लेक्शन जो है हमको सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि उसका भी जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल था, यानी कि इसका भी सेम ही है रिफ्लेक्शन, अगर सेम है तो यानी कि पोल्स भी इसके सेम है। तो हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि सोलिनॉइड अगर इस तरीके से रखा होगा, उसमें करंट इस तरीके से बह रही होगी, तो हमारा साउथ पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल कौन सा होता है। पॉजिटिव वाले के तरफ हमारा देखो साउथ पोल आ रहा है और नेगेटिव वाले की तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है। इस चीज़ को याद रखना, तुम लोग आगे काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे, ठीक। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी आ गई। अच्छा आगे आगे बढ़ते हैं, चौथी सिमिलैरिटी क्या आई थी, जो मैग्नेटिक फील्ड है बोथ मतलब दोनों का, बार मैग्नेट का भी और करंट जो इस सोलिनॉइड का है, एट अगर हम किसी फार अवे मतलब बहुत ही दूर एक्सियल पॉइंट पे, बहुत ही दूर एक्सियल पॉइंट मतलब समझ गए ना, ये वाला ये एक्सियल पॉइंट होता है, ये वाला जैसे ये ना, ये एक्सियल एक्सियल है, ये एक्सिस है, ये एक्सियल पॉइंट दूर कहीं पे, यहाँ पे कहीं एक्सियल पॉइंट पे, ये दोनों ही दीज आर गिवन बाय सेम एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, डायपोल वाला एक्सप्रेशन याद करो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू इंटू, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया आपका एम, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हम लेते हैं, वहाँ पे डायपोल मोमेंट पी लेते थे इलेक्ट्रिक वाले केस में, यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं एम अपॉन में आर का क्यूब। अब ये आर क्या है, रेडियस वेडियस कुछ नहीं है, क्या है यार, एक्सियल डिस्टेंस। तुम लोग समझ रहे हो एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक। तो इसी तरीके से जो आपका बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। इज इट क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया ना तुम लोगों को। ये था हमारा बार मैग्नेट, ये हमारा था बार मैग्नेट, कहाँ गए बार मैग्नेट, आ जाओ पकड़ में, कोई बात नहीं। हाँ ये हमारा बार मैग्नेट था। हमने क्या किया, इसकी जब प्लेसेस को स्विच की तो भी हमारा ये जो पोल्स थे वो सेम ही मतलब जगह लिए हुए थे, ठीक। कोई इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, मतलब पोलैरिटी नहीं चेंज हो गई, वही मुझे समझाना था यहाँ पे। और आई होप वो चीज़ बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करके जो ये अभी दिखाएगी तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, होप तो ये किया जाता है। बट आधे लोग को चीज़ें क्लियर होती होंगी, आधे लोग को जो नहीं होती होंगी, जिनको नहीं होती हैं वो जो उनकी गलती, उनको पता है वो कहाँ गलती कर रहे हैं, बट क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस सबको ले डूबता है तो होप सो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक स्टोरी सुनो, स्टोरी क्या, बात को ध्यान से सुनने जाना मैं क्या बोलूँ। देखो जो भी आपका ये जो जितना भी एक सर्कल लूप है, एक सर्कुलर जो लूप है जिसमें से करंट जा रही होती है, उसको हम एज अ मैग्नेटिक डायपोल कंसिडर करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अभी हमने डिराइव भी किया उसका एक्सप्रेशन किया ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला उसके लिए। तो उसका भी एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल था, याद है, बिल्कुल था। आप लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट से जरूर रिलेट करके पढ़ा करो नए कॉन्सेप्ट को, इससे और अच्छे से चीज़ें रिटेन होती हैं हमारे दिमाग में, बहुत अच्छे से बैठती हैं। ओके तो अगर ये चीज़ आप लोग को क्लियर है ना, ये चीज़ किया था हमने, तो हम क्या ये जो सोलेनोइड है उसका एक एक कॉइल को हम एक बार मैग्नेट कंसिडर कर सकते हैं क्या? ये जो एक हमारा सोलेनोइड को समझ लो, एक कॉइल है ये, दूसरा कॉइल है ये, इस तरह से कई नंबर ऑफ फाइनाइट है, मतलब गिनती के हैं कॉइल्स, लेकिन बहुत ढेर सारे हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हम क्या मैग्नेटिक हम डायपोल समझ सकते हैं? छोटे छोटे डायपोल ही तो हैं ये, मैग्नेटिक डायपोल्स है ना, हमने पढ़ा ना अभी, मैग्नेटिक डायपोल है ये, तो हम इनको डायपोल कंसीडर कर सकते हैं। एक ये डायपोल हो गया, एक ये हो गया, इसी तरीके से एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। इस तरीके से ये अलाइंड है, बिल्कुल एकदम इस तरीके से क्या है, अलाइंड है ना। यहाँ साउथ है, लेफ्ट साइड में साउथ है, राइट साइड में नॉर्थ है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं लेफ्ट साइड में साउथ है और हमारे राइट साइड में क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट साइड में हमारा क्या है, नॉर्थ आ रहा है, ये तो क्लियर है सबको। ओके सो हमारा जो यहाँ छोटा छोटा बार मैग्नेट है, इसका भी एक साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा, तो एक साउथ पोल ये हो गया, ठीक,
एंड इसका नॉर्थ पोल भी हो जाएगा, साउथ पोल यहाँ पे हो गया इसका छोटा सा, और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा छोटा सा, हम छोटे की बात करें तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा छोटे से की बात करूँ उसको मैं, और दूर दूर ले जाता हूँ बल्कि, जो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको और छोटा कर देते हैं ताकि ये इसमें दिखे। अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, इसको मैं यहाँ पकड़ के ले आता हूँ, नीचे कर देता हूँ। दिख रहा है ना तुम लोगों को, मैं इस मतलब ये तो पूरे सोलेनोइड की तो ये कहानी थी। तो सोलेनोइड का अगर ये साउथ पोल है, इसी तरीके से यहाँ पे ये एक नॉर्थ पोल हो जाता हमारा, एक ये छोटा सा, यही सीन होता है ना, एक जो पूरा कॉयल है हमारा वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी एक साउथ नॉर्थ होगा और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसका कौन सा साउथ होगा, इसका भी लेफ्ट वाला साउथ होगा ना, इसका ये लेफ्ट वाला पोर्शन साउथ होगा और राइट वाला पोर्शन नॉर्थ होगा, ठीक। राइट वाला पोर्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये तो समझने वाली बात होगी। अब अगर हम क्या करें, सॉलिनॉइड क्योंकि आपस में चिपके हुए हैं ना, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कॉइल बिल्कुल इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कॉइल है, वन मिनट, हाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो हमारा कॉइल है ये इससे एकदम ऐसे जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से ये वाला कॉइल भी इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से ये वाला कॉइल भी इससे, ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल मतलब क्लोज क्लोज है बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है मैग्नेट हमारा, ये जो इसका साउथ पोल है इस मैग्नेट का जिसको मैं पकड़ा हूँ, इसका साउथ पोल है, इसके नॉर्थ पोल से अटैच्ड है इस तरीके से, है कि नहीं है। इसी तरीके से ये अटैच्ड है इससे, इसी तरीके से ये इससे अटैच्ड है, बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके हम कह सकते हैं ना, ये पूरा सॉलोनॉइड बना रहे। अच्छा ये चीज़ क्लियर है ना। अब उसके बाद तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक छोटा 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 जितने जितने मतलब एक कॉइल एक बार मैग्नेट, एक कॉइल एक बार मैग्नेट, इस तरह से कई सारे कॉइल, मान लो 100 कॉइल है तो यहाँ पे 100 बार मैग्नेट आ जाएंगे, ठीक। तो जितने बार मैग्नेट आएंगे हम उनको एक अलाइन करके बिल्कुल एक जोड़ के हम क्या कर देंगे कि जो उसका लास्ट वाला पॉइंट बचेगा उसको हम नॉर्थ पोल कह देंगे। तो एक पूरा बड़ा सा एक बार मैग्नेट बन गया, बना कि नहीं बना, बना ना, एक पूरा बड़ा सा क्या बन गया, एक बार मैग्नेट बन गया। तुम लोग को ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल डायग्राम भी सामने ही है और इलेबोरेशन भी मेरे हिसाब से इससे बेटर तो नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर हो तुम लोगों को, बिल्कुल होगी होगी क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या चीज़ इंटरप्रेट कर रहे हो आप इस चीज़ से, यानी कि आप पूरे एक सॉलिनॉइड को एक बार मैग्नेट को कंसिडर कर सकते हो। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से कह सकते हो कि करंट कैरिंग जो सॉलिनॉइड है आपका वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर बार मैग्नेट है, अगर प्रूव करने को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ गया तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया ना। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है इस तरीके से ये बार मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, बार मैग्नेट बन जाता है बिल्कुल। तो बार मैग्नेट, और कौन सा बार मैग्नेट बनता है कि जिसका लेंथ किसके बराबर है, जिसका लेंथ उस सॉलिनॉइड के लेंथ के बराबर है, इसका जो लेंथ होगा वो सॉलिनॉइड के लेंथ के बराबर होगा, यानी इस बार मैग्नेट का जो हम कहते हैं ना मैग्नेटिक लेंथ, उसकी मैग्नेटिक लेंथ किसके बराबर होगी, सॉलिनॉइड के लेंथ के बराबर होगी ना, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया तुम लोगों को। तो जो बार मैग्नेट है और जो फाइनाइट सॉलिनॉइड है वो सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था, ठीक, जैसा कि आपने अभी फिगर मैंने जो बनाया था उसमें आपने देखा था, जब मैंने उसको सर्किट को रख दिया था। ओके क्या होता है ना कि इस चीज़ को नोट करना, ध्यान से नोट करना इस चीज़ को, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस चीज़ को नोट कर लेना, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, एज इट इज आपको नोट करना है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलिनॉइड इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पोल मॉडल, जो ऊपर पोल मॉडल आपके जब जो रियली पोल मॉडल होते हैं नॉर्थ से साउथ, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी, साउथ से नॉर्थ आ रही है ना, ठीक है, साउथ से नॉर्थ आ रही है डायरेक्शन, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर जो आपकी लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, बाहर बाहर के अगर हम बात करें, बट अंदर क्या हो रहा है, देखो सॉलिनॉइड के अंदर क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है ना लाइंस जितनी भी हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिनॉइड के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिनॉइड के बाहर क्या हो रहा है, तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमने जो पढ़ा ना, ये हमने क्या पढ़ा कि हाउ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इक्वेलेंट टू बार मैग्नेट। अब हम इसका अदर वे अराउंड पढ़ते हैं, अदर वे अराउंड यानी कि बार हाउ अ बार मैग्नेट
इज इक्वेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड. तो इसको हम समझने के लिए हमको समझना होगा एम्पियर की हाइपोथेसिस. क्या कहती थी एम्पियर की हाइपोथेसिस? कि सारे जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो करंट कैरिंग लूप की वजह से आते हैं. जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं वो करंट कैरिंग लूप की वजह से आ रहे हैं. तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना एक एटम में रिवॉल्व करता रहता है. वो तो रुकता है नहीं, वो तो रिवॉल्व करता रहेगा. और किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? आपने देखा है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक. सो इस वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इंड्यूस कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है. इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है. अभी हमने देखा लास्ट वाले मॉड्यूल में, लास्ट वाले वीडियो में उसका डेरिवेशन भी किया हमने. तो ये जो एटॉमिक करंट्स आते हैं ना, मतलब एटम के अंदर जो करंट जनरेट होता है उसको हमने एटॉमिक करंट नाम दे दिया. तो ये जो एटॉमिक करंट आते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं, कहते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं स्मॉल सर्कुलर करंट लूप्स के, ठीक है. ये जो एटॉमिक करंट्स आते हैं अंदर, उसके अंदर जनरेट होते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? स्मॉल सर्कुलर करंट लूप्स, मतलब छोटे सर्कुलर करंट लूप्स अगर हम रियल लाइफ में कंसिडर करें उसको. तो मैग्नेट में क्या होता है, अगर मैग्नेट के अंदर की हम बात करें, ये जो करंट लूप्स होते हैं ना ये पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है. जो करंट लूप्स है, यानी कि मैं अगर एक मैग्नेट के, सपोज करो ये एक मैग्नेट है, सपोज करो ये एक मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है. इसके अंदर अगर मैं इसको बनाऊँ तो छोटे 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 करंट लूप्स जो मैं अभी बात कर रहा था ना, छोटे 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 करंट लूप्स ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं इस तरीके से, ठीक है. पैरेलली बिल्कुल कैसे हो रहे हैं, अरेंज होते हैं, जिसमें से कि करंट ऐसे दौड़ रही है एक डायरेक्शन में. अभी के लिए ऐसा समझो आप, ठीक. ओके, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ हुआ कि अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये जो करंट लूप्स होते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे से, और उसमें करंट सेम सेंस में जा रही होती है, यानी कि सेम डायरेक्शन में सब में जा रही होती है. सो जैसे कि जो फिगर है आपको क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है ना, ये वाला जो फिगर है हमारा, ये क्रॉस सेक्शन है एक मैग्नेट का, समझ लो एक क्रॉस सेक्शन है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट का एक क्रॉस सेक्शन है. तो यहाँ पे अंदर एटॉमिक करंट लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट के. सो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेट के अंदर, किसी भी पॉइंट पे जो करंट है, ठीक है, करंट है जो उसके पड़ोसी वाले लूप में है, यानी कि एडजेसेंट लूप में, फॉर एग्जांपल इसमें कोई करंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक करंट जा रहा है. तो मैं ये कह रहा हूँ जो करंट हमारे एडजेसेंट लूप के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं तो इसका एडजेसेंट लूप ये वाला है, या फिर ये वाला भी मान सकते हो आप. तो हम इस वाले की बात करते हैं, तो इसका जो एडजेसेंट करंट लूप है क्या कर रहा है, ये कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है. ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं. इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जो नेट करंट है हमारा वो जीरो हो जा रहा है. देखो पैरेलली अलाइंड है सारे, और एक लूप जो है अपने एडजेसेंट लूप वाले को, फिर जो करंट है उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है. समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो नेट करंट हमारा जीरो हो जा रहा है, ठीक. बट हमको क्या देखने को मिल रहा है कि देर इज अ नेट करंट सरफेस पे, मतलब सरफेस पे एक कुछ नेट करंट है, ठीक है. तो इसी वजह से ड्यू टू दिस सरफेस करंट, वैसे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक. तो इस सरफेस में जो करंट है उसके वजह से जो बार मैग्नेट होता है ये इक्विवेलेंट हो जाता है क्लोजली वाउंड करंट कैरिंग सोलेनोइड के, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा क्लोजली वाउंड, वाउंड का मतलब क्या, लपेटना, ठीक है, लपेटा हुआ सोलेनोइड के इक्विवेलेंट बिहेव करने लगता है ये वाला मैग्नेट, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस. ये पूरी हाइपोथेसिस चल रही है हमारी, ठीक है, ये एम्पियर की हाइपोथेसिस थी. तो हम क्या कह सकते हैं, जो बार मैग्नेट है वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि एक सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेट के एंड पे द करंट लूप बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम दोज इनसाइड, यानी कि मैग्नेट के एंड पे जो काम चल रहा होगा और मैग्नेट के जो अंदर काम चल रहा होगा वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, ठीक. इनसाइड के ऑब्वियसली डिफरेंट बिहेव करेंगे क्योंकि सरफेस पे क्या हो रहा है, आपको नेट करंट मिल रहा है, बट अंदर में क्या हो रहा है, सारे ही नेट करंट कैंसिल हो जा रहे हैं. अंदर नेट करंट जीरो है बट सरफेस पे आपके नेट करंट कुछ है, ठीक है, यहाँ पे यही बात हो रही है. तो हम बेसिकली क्या जानना चाह रहे हैं, जैसे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, हमको ये पढ़ना था ना,
तो हमने अभी लास्ट वाले मतलब अभी जब मैंने इसके पहले बोला था, क्या आप बताया था कि कैसे आपका करंट का जो मतलब करंट कैरिंग जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब हम पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट को हम किस तरीके से कह सकते हैं वो करंट कैरिंग सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दोनों अदर वे अराउंड भी हम पढ़ना हमें आना चाहिए। मान लो क्वेश्चन आ गया तो हमको ये चीज़ लिखना तो आना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट अब क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स आर लोकेटेड स्लाइटली इनसाइड द बार मैग्नेट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि बार मैग्नेट, अगर इतना बड़ा बार मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बार मैग्नेट है ठीक है, तो उसका जो साउथ पोल और पोल जो एग्जिस्ट करेगा वो थोड़ा अंदर करता है, एकदम एंड पे नहीं रहता, थोड़ा अंदर करता है उसका एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके तो इस चीज़ को तुम लोग समझ गए होगे और उसका रीज़न आ गया क्यों अंदर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, उसका रीज़न भी तुम लोग को पता चल गया कि मैग्नेटिक के क्रॉस सेक्शन के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे नेट करंट जीरो होता है, बट सरफेस पे कुछ ना कुछ हमको मिलता है, तो इस वजह से हमारा जो पोल होता है वो इनसाइड द मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज़ वाई जो मैग्नेटिक लेंथ होता है बार मैग्नेट का वो स्लाइटली छोटा होता है उसके, अगर हम ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई 10 सेंटीमीटर का बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लेंथ जो होगी उससे छोटी ही होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट्स हाउ वी मतलब यही चीज़ मुझे बताना था आपका, ये एक थियोरेटिकल पोर्शन था जिसको कि मैंने न्यूमेरिकल के साथ कवर कर दिया जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स थे ठीक। सॉरी सो इस मॉड्यूल से आपके न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, अगर बन जाते तो होपफुली नहीं बनते हैं, बहुत कम देखने को मिला है इस पोर्शन से क्वेश्चंस। बट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा गॉस लॉ, मतलब इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, और अगेन ज़्यादा लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है। सो आई होप कि वीडियो लंबी, क्योंकि फिजिक्स है टॉपिक है और एलेबोरेशन चाहता है डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स तो टाइम लगता है ठीक है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि बस धड़ धड़ बता दिया हो गया, तो इसमें टाइम लगता है और पूरा प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन और डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में चीज़ें को, थोड़ा इमेजिन करके चलना होता है। तो आप लोग भी थोड़ा इमेजिनेटिव बनिए और थोड़ा सा तेज बनिए इस चीज़ को, और जो प्रीवियस टॉपिक्स जो हमारे ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं उसके जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करते रहो, चाहे वो कैपेसिटेंस का हो, और मैंने एक आप लोग को काम दिया था वेंडीग्राफ जनरेटर पढ़ने को, वेंडीग्राफ जनरेटर भी पढ़ लीजिएगा, उसको मत छोड़िए ठीक है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ पोटेंशियो मीटर मीटर ब्रिजेस सब पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो सब कर डालना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक। तो आप ये मत देखो कि कोई कितना पढ़ा, कोई कितना पढ़ा, कोई क्लास कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, आप अपने बारे में सोचो ठीक है, क्योंकि एट द एंड वही काम आएगा, भाड़ में जाए जनता, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और जो भी अभी तक जितना भी मैंने कराया है उसको कॉपी में नोट करते चलो और उस चीज़ का नोट्स बनाते चलो, ये तुमको अभी नहीं, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में काम आएगा, और जो लोग नहीं बना रहे, जो लोग का अभी भी एक एटीट्यूड है कि आई विल नॉट स्टडी वाला एटीट्यूड लेके चलो, तो बेटा चलो दिसंबर जनवरी में फिर मैं मुझसे मिलना ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, तब तुम्हारी जो हालत होगी ना तो तुम उसके लिए तो कोई तुम ही जिम्मेदार होगे ठीक है, तो रोना मत। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।